सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर श्री बलिदान भोल सांचे दरबार के जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यो उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुते प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टुप छन्दः श्री महाकाले महालक्ष्मे महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विचेतांसि देवि भगवती सां बलादादृश्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षिभिर्दिवशेषजन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्याम् सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमास्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वैतश्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषानवहंसि तुष्टा हृष्टात् कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यसखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अश्वत्थैर्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शतश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाभ्याग्निनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातला मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी
अनंता भाविने भव्या 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 सदा गतिः शांभवी देव माता च चंद्रा रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा कवर्णा च पाटला पाटलावती वट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीररञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूर सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्रकुमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषा कृतिः विमला दुर्शनी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिला बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्त्री च चन्द्रमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैव कन्या च केशवी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रिस्तवस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ज्ञायुजं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वति धनं धान्यं सुतं जायामहयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्दलभेन् मुक्तिं त्रिशाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजये पर्या भक्त्या पठे राम सदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजश्यमुभाप्नुयात् गोरोचनालक्तकटुङ्कमेण सिन्धूलकर्पूरमधुत्रयेण विलक्षयन्त्रं विधिना विधिज्ञ भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमाभाष्यादिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलक्ष्य प्रपठे स्तोत्रं स भवे सम्पदा पदा ओ प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके
आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः तनष्टभछन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्यासक्तमातरा भीजम् दिगन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ झद्भुव्यं परमलोके सर्वरक्षाकरं विनाम् यन्न कस्यच दाघातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति घुनतमं विप्र सर्वभूतापकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तर्षणुष्वा महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महाघोरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाम् अग्निना धर्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः। नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते निर्वासुरन्ध्रिदेवेषु रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना रन्ध्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी श्रीवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना भामी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरः सर्वः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नाभिशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेदकं दामरं चैव परशं पाशमेव च कुन्द्राक्षुरं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च
धारयन् ध्यायुधानित्यं देवानां च हिताय मे नमस्यास्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रुनाभयवर्धिनी प्राचां रक्षतु ममेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवलुधारायिनैत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां भारणे रक्षे भायभ्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ता वैष्णवी तथा एवं दस्निशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रता पातो विजया पातो पृष्ठतः भजिता भाम पाशेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनि रक्षेतु मामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा जनाशिगे शङ्खने चक्षुयोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनि कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्णे च चर्चिका अधरे क्लामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जुगं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभं च धनुर्धरी नीलग्रीवावही कण्ठे नलिकां नलकुभरी स्कन्धयो खड्गनि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयोर्धनि रक्ष दम्भिका चाङ्गुलेषु च रकाशूलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि सदो रक्षन् महादेवि मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवि उदरे शूलधारिणि नाभोजकामनि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरि तथा पूतनाकामिकामेढं गुदे महिषवाहिनि कर्त्यां भगवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि नकान्दश्वाकरालीट केशांशवोत्सकेशिनि रोमकृपेषु गोवेरे त्वचं बालेश्वरे तथा रक्तमज्जामसामासागस्ति मेधांसि पार्वति तन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकाशे कफे चूडामने सदा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कार मनो बुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमस्यैव लक्ष्ये नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चन्द्रिके पुत्रा रक्षन् महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुमथा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिरा रक्षाहीनं गृहस्थानां वर्जितं कवचनतो तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतो जनेच्छे शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते नत्या सङ्ग्रामेश्वपराजितः त्रैलोक्यो भवेत् पूज्यः कवचेनामृता पुमान्
विदन्तो देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठे प्रतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शद्ययान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यश्रमराजिलः जीवेद्वर्षशतं साग्रमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्यादया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचराः क्षेचराश्चैव जलजाशोपदेशिकाः सजाडुलजामाला डाकिनीशाकृति तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसमेतालः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचारिणी संस्थिते मानानने भवेराज्ञस्तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सौमे कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीम् चण्डे कृत्वा तु कवचम् पुराम् यावद्भूमण्डलम् दत्त सशैलवनकारणम् तावत् सन्निधिन्यम् सन्तति पुत्रपात्रिके देहान्ते परमंसानम् यस्सुरेरलिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादनः लभते परमं रूपम् शिवेन सह मोदते ओ अथर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै बालकन्द्रे उभाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा दाते स्वाहा सुधा नवासुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नवासुते मधुके तव विद्रावे निदात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य वर्धिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि अचिन्त्यरूपचर्च सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि नृसेभ्यः सर्वदा भक्त्या चन्द्रिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि चण्डिके सततं जयत्वमर्चयन्तेह भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि विदेहि द्विषतामाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि सुरासुरशिरो रत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो दहि
विद्यावंतं दशस्वंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि प्रचंड जत सर्वज्ञ चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संसुते देवी शश्वद्धत्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि हिमाचल सुधानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजित परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवी प्रचंड दोदंड दत्त दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदोदयंबिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति सम्पदा। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवार्षिः अनष्टुभछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मारकण्डय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्वियानि यान् मन्त्राणामभिकीलकम् स्वाभिक्षेममुवाप्नोति सततम् याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनाजीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनाधिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मामरः त्यक्त्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायासु तच्च लोक्तं चकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तायसा वन्नियन्त्रणा स्वाभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलं विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यनुतस्तस्य भयं क्वापि अजायते नापमृत्योपशं जाते नृता मोक्षमवाप्नुयात् या क्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानोऽपि नश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते भूतैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शुभेऽस्तु जप्यमाने अस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरक्षकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र सादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परोषः स्तूयते सानकं जनैः। श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे आय गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनादिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासि
जय जय हे महिषासुर
क्षमा प्रार्थना है अत क्षमा प्रार्थने अपराध सहस्राणि वियंगे हर निशमया सासो यमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं दधानामि राजानामि विसर्जन पूजां देवनदानामि अपराध शतं कृत्वा जगदं भेति चोच्चरे जागतिं समभावनोति ताता ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ के चरण में बैठ करके माँ की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, ये जगजन्य जगत माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवत का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थली है, तप भूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति तीन दिव्य पिंडी के विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। माँ भगवती आदि शक्ति इस गुफा के अंदर माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती इन तीन पिंडी के रूप में माँ इस गुफा के अंदर विराजमान है। माँ भगवती जो मूल आधार है, मूल जड़ से एक ही शक्ति जो पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्ति के दर्शन है वह पिंडी के रूप में है। माता महाकाली जो शरणार्थ भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोग से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती है, शत्रु पर विजय दिलाती है। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी जो शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। माता महासरस्वती जो शरणार्थ भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है। इस प्रकार से जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से माँ के शरणागत होकर के माँ के दरबार में आकर के इस गुफा के अंदर
इन देव पिंडी के रूम में माँ के दर्शन करते हैं, माँ के चरणों नतमस्त होते हैं, माँ के चरणों अपना मस्तक झुकाते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, उन शरणार्थ भक्तों को जो तीनों माता जी हैं महाकाली माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महेश सरस्वती प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन्हें वरदान देती ही आशीर्वाद देती ही, जिन आशीर्वाद से वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते ही और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। तो इसलिए भक्तजन जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को रजाने के लिए माँ से करवत प्रार्थना करते हैं, देवी प्रसिद्ध परमा भक्ति विभाय सद्य विनाश से कोम भदि कुलाने विज्ञात में तुमनेव जत में तन नीतम बलम स्वयपुल महिषासुरस्य। देवी प्रसिद्ध परमा भक्ति विभाय की जे देवता ने माँ भगवती स्तुति करते इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करते कहा कि हे देवी आप प्रसन्न हो, हे परमात्मा स्वरूप माँ आपके प्रसन्न होने पर यज्ञ का वध होते है, यज्ञ का कल्याण होते है और क्रोध में भर जाने पर जो है आप तत्काल ही न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। ये बात जो है अभी हमारे अनुभव में आई है कि महिषासुर की इतनी बड़ी विशाल सेना जो है जो क्षण मात्र में ही आपके कोप से नष्ट होगी। जी उस समय देवतन माँ की स्तुति करते हुए माँ से प्रार्थना की थी जिस समय महिषासुर का इस लोकी में अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि सभी त्राही माँ ताही माँ पुकार रहे थे। सभी जो है देवता गंधर्व यक्ष ऋषि मुनि संत मानव सभी जो है महिषासुर के आतंक से जो है इतने भयभीत थे इतने दुखी थे। तो समय देवतों के प्रार्थना करने पर ही भगवती स्वयं प्रकट हुई थी और माने क्षण मात्र ही में जो है जब देवता जो है प्रसन्न हुई देवता प्रसन्न हुई और देवता पर उसने कोप किया क्रोध किया और उसके कोप मात्र से ही क्षण मात्र में महिषासुर की सारी सेना जो है तो ही और महिषासुर की भी माँ ने जीवन लीला समाप्त कर दी। इसलिए वह महिषासुर मर्द ने माँ भगवती की जो आराधना करते हैं तो महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का भी आपने जो पाठ किया है जो वास्तव में ये स्तोत्र पाठ जो है ये शत्रु का नाश करते हैं, रोग से मुक्ति देते हैं, धन धन की वृद्धि देते हैं, सब भयों से जो है मुक्त करते हैं। वह भगवती की महिषासुर की उपासना करने वाले स्तोत्र के द्वारा जो साधक जन माँ की उपासना करते हैं वह जीवन कभी किसी प्रकार को नहीं कोई भय नहीं होता, ना रोग भय ना शत्रु भय और किसी प्रकार का भय नहीं है। वह धन धन्य से समृद्ध होते हैं और सब ओर से वह साधु जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तेस मता जन पदनानी तेषाम तेषम सांची नाच सेति धर्मवर्ग धन्यस्त एव निभृत द्रुत धारा जेषाम सदा जदा भवति प्रसन्न की सदा सर्वदा भक्तों को अवधि प्रदान करने वाली उन्नति को देने वाले माँ आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं का जो है धन उन्हीं को जो धन और यश की जो है जो प्राप्ति होती है उन्हीं का धर्म जो है कभी जो है वह शिथिल नहीं होता, वह सदा सर्वदा जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उन्हीं को जो है वही लोग जो है जिन पर आपकी कृपा होती है जिन पर आप प्रसन्न होती है वही भक्तजन जो है अपने परिवार के साथ अपने स्त्री पुत्र वृत्त के साथ धन्य माने जाते हैं जिन पर आप प्रसन्न रहती है। बोलो सच्चे जय। तो इस प्रकार से माँ जिन पर प्रसन्न हो जाती है उनका जीवन जो है वह सुख में बना रहता है, भगवती कृपा से उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और वह जो जो भी चिंतन करते हैं माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उनकी वह समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है सुखद बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस देवी की पूजा इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज जो है विजया नाम की एकादशी है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी।
एकादशी जो है जो कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं, विशेष नक्षत्र होते हैं, ऐसे योग होते हैं, ऐसे ही व्रत उपवास होते हैं जिनके करने से जो है जिसमें भगवान की साधना करने से धर्म कर्म करने से उसका अनंत गुणफल होते ही फिर देवी की कृपा से इस प्रकार से किस तीर्थ में जा करके जहाँ इस तरह से शक्ति पर प्रा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो उसका अक्षय फल होते ही उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। और जय माँ की कृपा होती है क्योंकि जय माँ भगवती जिनका कल्याण करना चाहती है जिनका मंगल करना चाहती है उनको अपने दरबार में बुलाती है, इतने अपने चरण बिठाती हैं, आशीर्वाद देती हैं और उनका सबूर से कल्याण करती हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त हो जीवन में कहीं कोई सत्कर्म करने का, सत्संग में बैठने का, भगवान की आराधना अर्चना करने का, कहीं गंगा स्नान करने का, कोई धर्म कर्म करने का, दीन दुखी सेवा करने का, तो उस समय जान लेना चाहिए हम पर उस माँ भगवती आदि शक्ति की कोई कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना मनुष्य धर्म कर्म नहीं कर पाता, ऐसा विचार आता ही नहीं है। जब उसकी कृपा होती है, जब वह जिसका कल्याण करना चाहती है उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है तभी उनके हृदय में ऐसे उनकी बुद्धि में ऐसे विचार आते हैं, सद्विचार आते हैं कि हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, माँ के दरबार में चलें, माँ की भक्ति करें, तो माँ के चरण में बैठ करके जहाँ रहते हुए इस तरह से माँ की साधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, तो यही भक्ति जो है, यही पुण्य कर्म जो है, यही वास्तव में इस जीव का असली साथी है। जिस संसारिक जितने संबंध हैं ये यहीं पर धरे रह जाते हैं, एकमात्र यही धर्म कर्म जो होता है ये जीव के साथ चलता है। ये कहते हैं कि जब ये शरीर भी सांस छोड़ देता है तब जो है यही धर्म जो है यही इस जीव के साथ साथ चलता है। वह कहते हैं तो चिंता मत कर, तो भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब धर्म कर्म किए नहीं तो धर्म भी क्या करेगा, इसलिए धर्मो रक्षित रक्षिता, एकमात्र रक्षित के धर्म जो है वही रक्षा करते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को सर्वधर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म जो है ये करते रहना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बतला रहा था कि आज जो विजय नाम की एकादशी है बड़ा ही उत्तम दिन है, ऐसी जो पवित्र तिथि जिसमें कहते हैं उपवास करने से, भगवान के नाम का जप करने से, पुण्य कर्म करने से इसका अनंत गुणफल होते हैं। फिर किस तीर्थ में जाकर के इस प्रकार सत्कर्म किए जाए तो उसका जो है अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। एकादशी क्या होती है, जब पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और ग्यारहवां मन इसको एकादश करते हैं, इसका निग्रह करना, व्रत करना, संकल्प लेना। ये व्रत क्या है कि हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज व्रत करते हैं कि हम जो है भगवान के नाम का जप करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, कोई बुरा विचार मन में नहीं लाएंगे, किसी का बुरा सोचेंगे नहीं। ऐसे जो संकल्प ऐसे व्रत होते हैं और धीरे धीरे उसके ऐसे संकल्प आगे बढ़ते हुए जो है उसके जीवन में ऐसे निज बन जाते हैं, वह कभी कुमार पर चलता नहीं। इसी तरह धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्म कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो इसलिए यही व्रत होते हैं, तो इस तरह से व्रत करने से मनुष्य जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्हें जो है सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, दुखों का नाश होते ही सुख की प्राप्ति होती है और जीवन रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो महाराज युधिष्ठिर ने द्वापर में भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया था, महाराज यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी जो किस नाम की एकादशी होती है और इसका क्या फल होता है, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन यही प्रश्न जो है एक बार देवसिनाथ जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उस समय ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था मैं आपको बतलाता हूँ। भगवान विष्णु जो है कृष्ण जो है यह महाराज दृश्य से कह रहे हैं, आप देखिए पांडव के जीवन में कितने कष्ट विपत्तियां हैं परंतु उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया और भगवान भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे, वन में रहते हुए भी वह सत्कर्म करते, सत्संग करते थे, संतों का संग करते थे, अतिथि सेवा करते थे, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जप किया करते थे और इस प्रकार इतनी साधना इतना तप करने के उपरांत ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई अर्थात राज्य की प्राप्ति हो गई, विजय प्राप्त हुई थी। तो
भगवान कृष्ण कहते हैं कि नारद जी ने जो प्रश्न किया था ब्रह्मा से और ब्राह्मण जो उत्तर दिया था वह सुन कि जब देवश्री नारद जी ने ब्रह्मा से कहा महाराज जब फाल्गुन कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है इसका व्रत करने से जो है क्या फल होता है। तो ब्रह्मा कहते हैं जय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है जय विजया नाम की एकादशी ही जे समस्त पापों का नाश करने वाली ही जे दुखों का नाश करने वाली सुखों को देने वाली है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने वाली ही ऐसी एकादशी का व्रत जो है नारद इसे करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान का ध्यान स्मरण जप पाठ करने से जो है मनुष्य का जीवन जो है वह सुखी होते हैं उसके कष्ट दूर होते हैं वह दुखों से मुक्ति मिलती है और वह सर्वत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे यश मान उसकी कीर्ति जो है जो बढ़ती है इसलिए प्रजन पूर्व जो है ये व्रत करना चाहिए। हे नारद त्रेता में जो है भगवान श्री राम जो है जिस समय उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ वनवास काल में जो है वह लक्ष्मण भाई लक्ष्मण और सीता के साथ जो है पंचवटी में उन्होंने निवास किया और पंचवटी में रहते हुए कहते हैं कि एक दिन जो है रावण ने छल कर करके सीता माता का हरण कर लिया। अब सीता माता जब उसने हरण कर लिया तब जो है भगवान श्री राम बड़े दुखी हो गए और दोनों भाई जो है वह भवन में जो है वह माता सीता की खोज करने लगी। खोज करते करते उन्हें जो है जटाजू मिले जिस समय उसके अंतिम श्वास ही बचे थे उससे उन्हें पता चला कि रावण ने जो है सीता का हरण किया है मैंने बड़ा प्रयत्न किया उसको बचाने का उसकी रक्षा करने का परंतु मैं अंत में जो है हार गया। देखिए उस समय पक्षियों की कैसी बुद्धि होती थी कि नारी जाति पर जो है इस प्रकार से उसका हरण हो रहा था अपमान हो रहा था वह पक्ष भी जो है वह उसको बचाने के लिए रावण के साथ जो है वह युद्ध किया उसने जटन युद्ध किया और अंत में जब हार गया गिर पड़ा तो उसने कहा कि उसे रावण जो है ले गया मैंने बड़ा प्रयत्न किया बेटी सीता को बचाने के लिए क्योंकि आपके जो पिता दशरथ जो थे वह मेरे मित्र थे। ऐसे में जटाजू जो है वह उसे जो है भगवान श्री राम ने अपनी गोदी में लिया और भगवान श्री राम के उस पक्षी ने जो है भगवान श्री राम की गोदी में उसने अपने प्राण त्यागे पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब जो है कहते फिर वहां से वह चले फिर कमंद नाम का एक दैत्य जो था राक्षस है उसका उन्होंने वध किया उसके उपरांत जो है किष्किंधा में जो है भगवान श्री राम की मित्रता जो है हनुमान के द्वारा जो है सुग्रीव के साथ हुई और फिर जो है वानर सेना की सहायता लेकर के माता सीता की खोज करवाएगी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया माता सीता की खोज करते वहां पर पहुंचे अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जो है वहां पर पहुंचते ही माता सीता के उन्होंने दर्शन किए वहां पर जो है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर वहीं पर अशोक वाटिका में फल लगे हुए थे तब माँ से आज्ञा ली माँ बड़ी भूख लगी है मैं कुछ फल खा लूं तो उन्होंने कहा जी राक्षस जहाँ पर रहते हैं जे कहीं आपको मारेंगे तो उसने कहा कि माँ उनकी कोई चिंता नहीं है कोई चिंता नहीं है बड़ी भूख लगी फल खाना चाहता हूँ तो उसने कहा ठीक है। तब जी हनुमान जी रात्रि का समय है फल खाने लगे आप फल कैसे खाते हैं वृक्ष को पहले हिलाते हैं क्योंकि रात्रि को वृक्ष जो है सो जाते हैं तो जगा करके जो है फिर उनके फल लेकर खाते हैं आप जो है आप वृक्ष को हिलाते हैं हनुमान जी तो कुछ वृक्ष जो है टूट भी गए और जो है अब जो है वहां राक्षसों ने उनको घेरा कहते हैं कि अंत में हनुमान जी को वह बांध करके रावण के दरबार में ले गए। वहां पर जाकर के अब जो है उसी रावण ने जब आज्ञा दी ये हनुमान जो है इसके पूंछ में जो है कपड़ा बांध करके इसको घी लगाइए और फिर इसको आग लगा दीजिए। कहते हैं जब नगरवासी जो है घी लाकर कपड़ा और घी लाया सभी नगरवासियों ने घी कपड़ा लाया हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दी और इतनी पूंछ बढ़ने लगी कि जो है अब लोग आकर के वह कहने लगे संदेश दिया रावण को कि महाराज अब तुझे घी खत्म हो गया है तो उसने कहा कि तेल लगाओ तेल और कपड़ा जो है और इसको पूरे नगर में घुमाओ
अब जो है लोग उसको नगर घुमा रहे हैं, कपड़ा घर से ला करके और तेल ला करके उसको बांधे जा रहे हैं, और हनुमान जी पूरे नगर देखना चाहते थे। वह मुस्कुरा रहे हैं और प्रत्येक घर से तेल और कपड़ा जो है आ रहा था। प्रत्येक एक एक घर को उसने देखा, कौन कौन जो कपड़ा लगा रहा है, कौन तेल डाल रहा है। सब चलते चलते केवल मात्र पूरी लंका में एक घर ऐसा था जहां से कपड़ा और तेल घी नहीं आया। वह घर था विभीषण का। अब जो एक ही घर से जैसा सामग्री नहीं आई थी, बाकी सब ने जो है कपड़ा घी तेल जो कुछ भी था सब उसकी पूंछ में लगा दिया, कपड़ा बांध दिया, आग लगा दी। अब हनुमान जी उड़े और प्रत्येक घर घर में जाकर के उसने पूरी लंका में आग लगा दी। केवल मात्र जो है एक जो है यहाँ भीष्म का घर बचा था। बोले सच्चे दरबार की जय। जो उस समय जी हनुमान जी ने त्रेता युग में जे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पूरी लंका को जला दिया था उसने। तो जी था कि राम ने जब उसे भेजा, राम का आशीर्वाद, फिर शक्ति का आशीर्वाद, माँ सीता को से आशीर्वाद था। और माँ सीता उस समय अशोक वाटिका में बैठे हुए अग्निदेव से प्रार्थना कर रही थी कि अग्निदेव बिल्कुल शांत हो जाना, शीतल हो जाना, मेरे पुत्र को जो है किसी प्रकार की कोई आंच ना आई। क्योंकि जब भारत माता जहाँ पर जब माँ रहती है, जननी जगत माता रहती है, जहाँ पर वीर जवानों का कुछ बाल बांका कोई नहीं कर सकता। अभी आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम के द्वारा जो है जो अभी हमारा वीर जवान जो है बाजू सेना का जो है अभिनंदन जो है किस प्रकार से उसने जो है दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के जो है इस प्रकार ढंका बजाया है, सबको भयभीत कर दिया। तो ये एक अद्भुत शक्ति होती है। तो भारत माता क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर मां का नाम लिया जाता है, भारत माता की जय। तो जहां मां रहती है आद्य शक्ति रहती है, और जहां पर आद्य शक्ति हो उसके बच्चों का बाली भंका नहीं होता है, उस मां का आशीर्वाद है। जे मां ने आपका ऐसा विशेष दिन जो है आज जो है एकादशी के दिन माँ के चरण में बैठकर भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो माँ से आप अपने कल्याण के लिए सभी कामना करते हैं, परंतु पूरे देश के लिए आप कामना कीजिए, उन वीर जवानों के लिए कामना कीजिए जो इस समय सरहद पर खड़े हैं, दुश्मन का सामना कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। माँ उनको शक्ति देना, काली का रूप धन कर करके आप उनके साथ चलना और शत्रु पर विजय दिलाना। और इस तरह से आप सभी जो है माँ के माँ से जो है प्रार्थना कीजिए, जय भगवती जो है हमारे इन जवानों पर जो है वीर जवानों पर जो है अपनी पूरी कृपा बनाए रखें और उनका जो है रक्षण करें और शत्रु पर विजय दिलाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो तीन जयकारे लगेंगी भारत माता के, सब जोर से बोलना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला में निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार जी से, माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की। रंग दे नाम दे रंग विच माइए तैनू अर्जाया के सुनाइए, सुन लै रानिए सुन लै रानिए मां। ला दे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी, ओ ला दे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी, वाली मेहंदी जड़ी सदा ही तरेंदी, ओला दी दातिए अपने नाम वाली मेहंदी, चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर मैं भक्ति आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है।
मेहंदी नहीं मिलती बाजारों ते हजारों ए नहीं मिलेगी लाख ते हजारों ए मेहंदी नहीं मिलती बाजारों ए नहीं मिलती लाख ते हजारों किस्मत वाले लाउंदे तेरे नाम वाली मेहंदी ला दे दातिए अपने नाम वाली नाम वाली मेहंदी जड़ी सदा ही तरेंदी दादे अपने नाम वाली मेहंदी दादे अपने नाम वाली मेहंदी इस मेहंदी दी चमक अनोखी इस मेहंदी दी चमक अनोखी ऐसे मिलती ये बड़ी सौखी मेहंदी दी चमक अनोखी ऐसे मिलती है बड़ी सौखी मेहंदी दी चमक अनोखी ऐसे मिलती है बड़ी सौखी चढ़ के फिरना उतरे तेरे नाम वाली मेहंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी ओ लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी अपने नाम वाली मेहंदी ए मेहंदी तेरे पग तन लाई ए मेहंदी पग तन लाई लाके हो गए तेरे नाम दे शोदाई लाके हो गए तेरे भगतान लाई ला के हो तेरे ना दिशदाई ओ चढ़िया रंग तवाया तेरे नाल वाली मेहंदी ओ ला दे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी ओ नाम वाली मेहंदी जेरी सदा ही तरेंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी ए मेहंदी मैया मेरे मिला दे रंग चढ़ा दे अपने वाला रंग चढ़ा दे ए मेहंदी मैया मेरे ला दे ना अपने वाला रंग चढ़ा दे अपने वाला रंग चढ़ा दे जन्म जन्म ना उतरे ते ना वाली मेहंदी अपने नाम वाली मेहंदी ओ ला दे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी रंग न्यारा इस मेहंदी रंग न्यारा सबनू लगता बड़ा ही प्यारा सबनू लगता बड़ा ही प्यारा इस मेहंदी दा रंग न्यारा सबनू लगता बड़ा ही प्यारा मेहंदी दा रंग न्यारा सबनू लगता बड़ा प्यारा धर्मा वाले लौंदे तेरे ज्ञान वाली मेहंदी दातिए अपने नाम वाली मेहंदी अपने नाम वाली मेहंदी दातिए अपने नाम वाली मेहंदी अपने नाम वाली मेहंदी ओ नाम वाली मेहंदी जड़ी सदा ही तरेंदी लादे दातिए अपने नाम वाली मेहंदी लादे दातिए अपने नाम
शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ जगदम्बे तेरी दया चाहता मैं क्षमा चाहता हूँ गुनाहगार हूँ
क्षमा चाहता जय कर श्रवण बोल सच्चे दरबार की जय पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा भवानी सबको आसरा तेरा सबको आसरा तेरा भवानी सबको आसरा तेरा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर जगा दो किस्मत भैया जगा दो किस्मत को मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई भैया जगा दो किस्मत को देखियो नाम गुण मेरा भवानी देखियो नाम गुण मेरा देखियो नाम गुण मेरा भवानी देखियो नाम गुण मेरा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा ओ छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा जग जननी तेरी जोत जगाए
जग जननी तेरी जोत जगाई इक दीदार की याद लगाई इक दीदार की याद लगाई जग जननी लुटेरा भवानी लूटे पाप लुटेरा लूटे पाप लुटेरा भवानी लूटे पाप लुटेरा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा ओ छाया घोर अंधेरा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा पार करो पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा छाया घोर बोल सच्चे दरबार की जय आरोड़े भ्रमित जगणे दक्षिणे जग सूत्र वामे हस्त दिभ्यं कणकमयं पुस्तकं जन गम्य साधन भदयन्ते स्वकृतजपे शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडंत दिव्यूप कर्कमधर भारती सुप्रसन्न सचिय ज्योत भाली माता तेरी सदा आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 18 प्रविष्टि है कृष्ण पक्ष आज एकादशी तिथि ही आज एकादशी 11:05 तक है उसके उपरांत द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी एकादशी का व्रत जो है ये आज ही होगा शनिवार तदनुसार 2 मार्च 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं आप बड़े ही भाग्यशाली हैं पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेष आज विजया नाम की एकादशी के दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद
आयुष्मान भवे, संतते भाने भवे, श्रीमान जसस्वी भवे, प्रज्ञा भाने भवे, भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भवे, तेजस्वी भवे, धैर्य धर्मदलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंभर पाद पुण्यरत है, सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संतो, पूर्ण संत मनोर्थ है, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम देश, शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्यम अविदात, शुमान महियते, धनं धान्यं, पशुं, भवपुत्र लाभं, सत्संवत्सरं दीर्घमायुः, अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरे मैया, जय श्यामा और वायत गमरो। ओम जय
मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबारी की जय। बोलिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की जय। माता की जय। माता की जय। माता की जय। दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूति की पूजा करके आपके सामने गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। 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 जय माता दी
तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के माँ से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता जी। Thank you.
शुद्धं चिरायंगं सुन्दरलिङ्गविग्रहणं सर्वाङ्गोषाहितां लीलाश्वमधुरिमाशवाजदशकान् हे महाकालिकां यावन्तो स्वमुद्रेहलोकमलयो हन्तुं मधुके गमनम् अक्षालघुषं प्रदेशपुरुषम् सारे भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। वो सच्चे वो सच्चे भाई खुशी का दिन है यार, जोर से बोला नहीं। वो सच्चे दुर्गा देवी नमः। पाभ्यो पाभ्यम हस्यो अर्घ्यम मुह्यो आयुन सर्वंगे स्नानं समर्पयामि नमः। ओम गंधारं
सामने प्रभु